वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? क्या कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? होप यू आर स्टडीइंग वेल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RBSE ऑनलाइन क्लासेस पर। हम यहाँ कोशिश करते हैं कि आपको जो भी पढ़ाया जाए वो बिल्कुल ऑथेंटिक हो। ये भी कोशिश करते हैं कि जो भी पढ़ाया जाए वो आपको समझ में आए, जितनी भी हो सके उसको एकदम साधारण भाषा में आपको समझाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। हम जो पिछले वीडियोस में हमने शुरू कर दिया था आपकी 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस वाली, वो शुरू कर दी थी। उसका पहला चैप्टर संविधान क्यों और कैसे, द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, वो चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है कॉन्सेप्चुअल व्यूज से भी और आपके फैक्चुअल व्यूज से भी। देखो, जब आप कोई चीज पढ़ते हो ना तो जरूरी ये है कि आप उस चीज के सारे एस्पेक्ट्स को समझते चलें। सारे एस्पेक्ट का मतलब है, जब हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान तो हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा कि वो कैसे बना, ये भी पढ़ना पड़ेगा कि उसकी पृष्ठभूमि क्या रही। थोड़ा इतिहास में जाएंगे, थोड़ा हम भारत के भूगोल को खंगालेंगे, थोड़ा हम राजनीतिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे, यानी कि हम ओवरऑल उसको समेट के अपने साथ चलेंगे। तो आपको भी कोशिश यही करनी है कि आप भी साथ साथ में जब हम बात कर रहे होते हैं तो नोट्स बनाओ साथ में, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको सब कुछ जो है फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाती रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो हम पिछले वीडियोस में डाल चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले वो देखिए, क्योंकि आपके किसी भी टॉपिक के लिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो उस वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जो कॉन्सेप्ट है उसका क्लैरिफिकेशन किया है, तो आप पहले वो वीडियो देखिए। और शुरू करते हैं आज का जो भी हमारा टॉपिक है, वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संविधानों के प्रकार। लेकिन एक थोड़ा सा मैं आपको वापस वहां से पीछे से ही खींच के लेके चलती हूँ कि जब हमने पढ़ा था कि संविधान क्या होता है, संविधान यानी कानूनों का संग्रह। संविधान का सीधा सीधा सा अर्थ है कानूनों का संग्रह। ऐसी कोई पुस्तक जो लिखित हो अलिखित हो, लेकिन जहां कानूनों का संग्रह हो वो क्या कहलाएगा, संविधान। तो हमने संविधान का जब संधि विच्छेद किया था तब भी यही निकला था, सम प्लस विधान, यानी विधान का मतलब कानून तो संविधान। संविधान का जो जिसको हम कह सकते हैं पर्यायवाची, जो इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा से आया है। लैटिन भाषा का एक शब्द है जो है कॉन्स्टिचर, कॉन्स्टिचर, कॉन्स्टिचर शब्द से बना है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिचर का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिचर का मतलब होता है टू एस्टैब्लिश, टू एस्टैब्लिश यानी किसी चीज को स्थापित करना, स्थापना करना, स्थापित करना, वो कहलाता है कॉन्स्टिचर। कॉन्स्टिचर से बना है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किसी भी देश में उसके शासन व्यवस्था, कानूनों और अधिकारों की स्थापना करने वाला जो संग्रह होता है वो कहलाता है संविधान। तो आई होप योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ अबाउट द नेम संविधान और वॉट एवर द नेम विच इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉन्स्टिचर, एंड कॉन्स्टिचर मीन्स टू एस्टैब्लिश समथिंग, टू एस्टैब्लिश द लॉज, टू एस्टैब्लिश द गवर्नमेंट, टू एस्टैब्लिश द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टू एस्टैब्लिश द सॉवरेंटी ऑफ द कंट्री, होलसम ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट इज कंसिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है संविधान के प्रकार। संविधान के प्रकारों की अगर हम बात करें तो चार प्रकार के संविधान हम कह सकते हैं, जिसमें पहला होता है लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। द सेकेंड वन कैन बी काउंटेड एज अलिखित संविधान, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देन वी कैन से कठोर संविधान, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द लास्ट कैन बी सेड एज लचीला संविधान। और यू कैन से इट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन, अनरिटन,
रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, अलिखित कठोर और लचीला संविधान। क्या अर्थ होता है इस प्रकार, अलग अलग प्रकार के संविधानों का क्या अर्थ निकाला जा सकता है? देखो, जब हम बात करें लिखित संविधान की, तो लिखित संविधान का नाम से ही अर्थ पता चल रहा है कि लिखा हुआ। जब देश के सारे कानून, देश की सारी जो व्यवस्थाओं को चलाने वाली जो भी नियम शर्तें हैं, वो जब लिखी हुई होंगी तो उसको कहा जाएगा लिखित संविधान। जैसे कि भारत का संविधान है, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान है, एक एक चीज जो है वो लिखी गई है, ठीक है ना। एक एक चीज भारत के संविधान में लिखी गई है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में लिखी गई है। अलिखित संविधान, अलिखित संविधान किसे कहेंगे? जब किसी देश के कानून क्या कह रहे हैं वो अगर लिखा हुआ नहीं हो तो उसको अलिखित संविधान कहा जाता है। अब जब आप कहेंगे कि लिखा ही नहीं है तो पता कैसे चले? कई बार परंपराएं या कुछ घोषणाओं के माध्यम से ऐसे संविधान बन जाते हैं, जैसे ब्रिटेन का संविधान। अगर आपको एग्जांपल देना हो अलिखित संविधान का, तो आप ब्रिटेन का कह सकते हो, आप इसमें अमेरिका का संविधान भी कह सकते हो। अमेरिका के संविधान में भी सिर्फ जो है वो 7 अनुच्छेद लिखे हुए हैं, बाकी सब अलिखित ही चल रहा है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, अगला है कठोर संविधान या रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहा जाता है। किसको कहेंगे कठोर संविधान? जिसमें बदलाव करने की जो संभावना है, द पॉसिबिलिटी टू अमेंड इन एनी कॉन्स्टिट्यूशन इफ दैट इज द अमेंडमेंट, द पॉसिबिलिटी टू अमेंड इज क्वाइट रिजिड, इज क्वाइट टफ टू चेंज द आर्टिकल्स ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कठोर संविधान या रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। लगभग नामुमकिन होता है, नामुमकिन तो आप नहीं कह सकते, फिर भी बदलाव तो किया ही जा सकता है, लेकिन बदलाव की जो प्रक्रिया है वो इतनी ज्यादा टफ होती है कि जल्दी से कोई कोशिश भी नहीं करता, ठीक है ना। तो जब बदलाव जो है कठोर हो, बदलाव संविधान में बहुत मुश्किल हो, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको रिजिड या कठोर संविधान कहा जा सकता है। इसमें हम अमेरिका के संविधान का उदाहरण दे सकते हैं। अमेरिका का संविधान बहुत कठोर है। अमेरिका के संविधान की किसी भी धारा में परिवर्तन करने के लिए ना सिर्फ संसद की जरूरत होती है, राष्ट्रपति की जरूरत होती है, और साथ ही साथ जो 50 राज्य हैं अमेरिका के, उन सब की स्वीकृति की भी आवश्यकता होती है। उनमें भी किसी भी 2/3 की स्वीकृति मिलनी जरूरी होती है, ठीक है ना। तो बहुत मुश्किल है अमेरिका में संविधान में परिवर्तन करना। फिर अब लास्ट बचा है, जो आप नाम से बिल्कुल पहचान गए होंगे, कि लचीला संविधान कहा जाएगा उसे जिसमें बदलाव बहुत मुश्किल ना हो, बदलाव सरलता से किया जा सके। जैसे भारत का संविधान है, ठीक है, जैसे ब्रिटेन का संविधान है। भारत में भी कई सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जिनमें बहुत आसानी से बदलाव किए जा सकते हैं संविधान के, तो हम ये उदाहरण उसके लिए दे सकते हैं। तो 4 तरह के संविधान होते हैं, लिखित संविधान, फिर अलिखित संविधान, कठोर संविधान और लचीला संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये होते हैं संविधानों के प्रकार। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि संविधान अस्तित्व में कैसे आता है, हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स टू एग्जिस्ट, कैसे बन जाता है कोई संविधान। अलग अलग तरीके होते हैं। देखो, जिस तरह की शासन व्यवस्था होती है, जिस प्रकार से पब्लिक अपने लिए गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है, कई बार नहीं भी करती है, तो जो शासन व्यवस्था होती है मोस्टली उसी शासन व्यवस्था को फॉलो करते हुए संविधान का निर्माण किया जाता है। तो हम कुछ एक यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला है कि सैन्य शासन के द्वारा, कई देश ऐसे हैं जहां पर सैन्य शासन लागू है। सैन्य शासन लागू होने का मतलब है कि वहां का जो सरकार है वो सेना द्वारा चलाई जा रही है। आप एग्जांपल इसके लिए म्यांमार का दे सकते हो। जैसे म्यांमार है, ठीक है ना, हमारा ही पड़ोसी देश है म्यांमार।
म्यांमार में फौज द्वारा शासन किया जाता है, तो ऐसे में वहां कौन से कानून होंगे, वहां किस प्रकार से सरकार चलाई जाएगी, किस प्रकार से इस सरकार को स्थायी बनाया जाएगा, चुनाव होंगे नहीं होंगे, वो सब चीजें कौन डिसाइड करता है, वो सब चीजें वहां की सेना द्वारा डिसाइड किया जाता है। वहां की सेना ये सब निर्णय लेती है और इसीलिए सेना ही क्या करती है, वहां का संविधान बनाती है। अब चूंकि वहां का संविधान सेना ने बनाया होता है, तो कई बार वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होता है, वो बहुत ज्यादा कठोर होता है, उसमें कई सारी ऐसी कठोर धाराएं होती है जो शायद आम जनता के लिए नहीं हो, लेकिन वो सैन्य शासकों द्वारा निर्मित होता है। दूसरा है अधिनायकवाद द्वारा। अधिनायक क्या होते हैं, देखो कई सारे देश ऐसे होते हैं जहां कोई अपने आप को वहां का शासक घोषित कर देता है। देखो अपने आप को राजा घोषित करना अलग चीज है और अपने आप को शासक घोषित करना अलग चीज है, इन दोनों में आप डिफरेंस समझेंगे, ठीक है। तो अगर कोई अपने आप को वहां का तानाशाह या शासक घोषित कर दे और अपने हिसाब से कानून बनाए, आप इसके लिए एग्जाम्पल दे सकते हो उत्तर कोरिया का, ठीक है, आप इसके लिए कोरिया का उदाहरण दे सकते हो। कोरिया में जो किम जोंग उनकी सरकार है वो अपने हिसाब से ही जो है कानून बनाती है और वो अपने हिसाब से ही चलाते हैं। तो इस तरह की सरकार जो कानून बनाती है उसको अधिनायकवादी या तानाशाही या जिसको हम डिक्टेटरशिप कहते हैं, उस तरह से संविधान का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना, डिक्टेटरशिप के माध्यम से। नेक्स्ट है राजशाही द्वारा, जो राजा द्वारा, जिसको हम ऑटोक्रेसी भी कह सकते हैं। ऑटोक्रेसी में क्या होता है, राजा जो पारंपरिक या जिसको हम कह सकते हैं कि वंशवाद के द्वारा जो राजा बनता है, वो देखता है कि पुराने राजाओं ने क्या अच्छी चीजें थी उनको रख लेते हैं, जो कुछ अपने हिसाब से नए कानून बनाते हैं। तो इस तरह के कानून जो है वो वहां का राजा बनाएगा, इसलिए उसको राजशाही द्वारा कानून, राजशाही द्वारा निर्मित संविधान कहा जाता है। संविधान सभा द्वारा भी कई सारे संविधान बनाए गए हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत का संविधान है। भारत का संविधान जो है भारत की संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। तो इस तरह के जो संविधान बनाए जाते हैं उसमें संविधान सभा में पूरे देश के नागरिकों को प्रतिनिधित्व मिलता है और वो अपने अपने जिन जिन का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके हितों की बात करते हैं और उसी लिहाज से संविधान में जो है कानून और धाराएं, कानून और अनुच्छेद, उसी हिसाब से कानून बनाए जाते हैं, उसी हिसाब से नियम बनाए जाते हैं और उसी हिसाब से सरकारों के लिए जो है व्यवस्था की जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे जो संविधान बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप इंडिया का दे सकते हो कि भारत का जो संविधान है वो संविधान सभा द्वारा बनाया गया है। फिर है परंपराओं द्वारा। देखो परंपराओं द्वारा भी कई संविधान बन जाते हैं, जैसे ब्रिटेन। परंपराओं द्वारा आप कहेंगे कि कैसे बना, देखो ब्रिटेन में क्या था, राजशाही थी, तब भी थी, आज भी है। आज भी वहां ये कहा जाता है कि जो मुखिया होता है उसको वो जो राजा होगा वही रहेगा। हाँ प्रधानमंत्री बनेंगे, सरकार वही चलाएंगे, लेकिन जो मुख्य जो सील है वो राजा की ही लगेगी हर जगह। तो यानी कि वहां फिर क्या हुआ, धीरे धीरे राजा ने अपने अधिकार छोड़ने शुरू किए और वो अधिकार जनता को मिल गए। तो वो परंपराओं के द्वारा कि ऐसी परंपरा बन गई, तो वो परंपराओं के द्वारा जो संविधान बना वो ब्रिटेन का है, जहां राजा ने अपने अधिकार, वैसे वहां क्वीन है, तो जहां रानी ने क्या किए, अपने अधिकार जनता को हस्तांतरित किए, जनता को हस्तांतरित किए, ठीक है। तो ऐसा संविधान जिसको परंपराओं द्वारा बनाया गया। फिर जनमत संग्रह द्वारा, जनमत संग्रह यानी लोगों से पूछ पूछ के कानून बनाए जाए, ठीक है ना, लोगों से पूछा जाए कि क्या ये कानून हो कि नहीं हो, लोग जो वोट दें उसके आधार पर। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि जो स्विट्जरलैंड का संविधान है,
स्विट्जरलैंड का संविधान है वो जनमत संग्रह के द्वारा बनाया जाता है। जनमत संग्रह जिसको फ्यूडल कहा जाता है, फ्यूडलिज्म जो है उसके माध्यम से संविधान का निर्माण किया गया था वो स्विट्जरलैंड में किया गया है। वहां जनता से राय ली जाती है, राय भी ली जाती है, मत भी लिया जाता है और समर्थन भी लिया जाता है और फिर कानूनों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो वो स्विट्जरलैंड हम इसके लिए उदाहरण दे सकते हैं। और फिर है विविध घोषणाओं के द्वारा, जैसे कि फ्रांस का संविधान है या फिर अमेरिका का संविधान है, मानवाधिकारों का घोषणा पत्र और ये सब जो आप पढ़ते हैं वो सब जब अमेरिका में और फ्रांस में घोषणा पत्र किए गए तो उन घोषणाओं के माध्यम से जो जो कानून बनते रहे वो संविधान में शामिल होते रहे। तो इस तरह से संविधानों का निर्माण जो है कई देशों में अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरीके से होता है, कहीं सैन्य शासन द्वारा, कहीं जो तानाशाह होते हैं डिक्टेटर्स उनके द्वारा। उदाहरण आप कोरिया का दे सकते हो सैन्य शासन द्वारा, जैसे म्यांमार है राजशाही द्वारा, ऑटोक्रेसी जहां आज भी है जैसे कि भूटान है, आप इसके लिए राजशाही के लिए भूटान का उदाहरण दे सकते हो। भूटान में आज भी राजा के द्वारा सरकार चलाई जा रही है, तो वहां पर संविधान का निर्माण उस तरह से किया जाता है। अब तो खैर नेपाल में भी लोकतंत्र आ गया, लेकिन राजा का जो पद खत्म किया गया था उससे पहले नेपाल में जो भी संविधान बनाया जाता था वो राजा के द्वारा बनाया जाता था। संविधान सभा द्वारा, भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है क्योंकि हमारे यहाँ संविधान सभा की स्थापना हुई और उन्होंने ही संविधान बनाया। फिर परंपराओं द्वारा जैसे ब्रिटेन में हुआ है, जनमत संग्रह द्वारा जैसे कि स्विट्जरलैंड में हुआ है और विविध घोषणाओं द्वारा जैसे कि फ्रांस और अमेरिका में हुआ है। तो ये आपको उदाहरण याद रखने हैं ताकि अगर छोटे क्वेश्चन आए, एमसीक्यूज आए तो आप आंसर देने में आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है कि संविधान के मूल तत्व क्या होते हैं, कोई संविधान में क्या चीजें हैं जो होनी ही चाहिए तभी वो एक सफल संविधान बन सकता है, तभी वो एक सफल संविधान बन सकता है। देखो सफल संविधान और असफल संविधान के बारे में अंतर आप यहाँ देख सकते हो। अगर सैन्य शासन द्वारा, अधिनायकों द्वारा, राजशाही द्वारा इस तरह से कोई संविधान बने हुए हैं तो बहुत ज्यादा सफल नहीं रहे हैं क्योंकि उनमें लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान नहीं रखा गया है, तो ये संविधान जो है वो लगभग असफल रहे हैं। इनको असफल संविधान भी कहा जा सकता है, क्यों? क्योंकि इनमें अपने हितों का ज्यादा ध्यान रखा गया है, इनमें लोगों के हितों की ज्यादा, जो जनता के हित होते हैं उनकी ज्यादा परवाह नहीं की गई। लेकिन संविधान सभा द्वारा, छोटी छोटी बड़ी परंपराओं द्वारा, जनमत संग्रह द्वारा जो संविधान है वो जो बनाए गए हैं उन संविधानों को हम सफल संविधानों की श्रेणी में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें इसीलिए, उनको इसीलिए निर्मित किया गया है ताकि जनता का जो है भलाई की जा सके, ताकि जो पब्लिक वेलफेयर है उसको ज्यादा से ज्यादा ध्यान में रखा जा सके। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सैन्य शासन, अधिनायकवाद या राजशाही द्वारा जो संविधान बने हैं वो असफल संविधान रहे हैं, और जो संविधान जनता के हितों को ध्यान में रखकर बने हैं वो सफल संविधान हुए हैं। अब संविधान में, एक सफल संविधान में, एक अच्छे संविधान में किन किन चीजों का होना जरूरी है, व्हाट शुड बी द सब्सटेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इफ वी आर गोइंग टू से इट अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन। जस्ट लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ पब्लिक, इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट द इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, द सॉवरेंटी ऑफ द कंट्री एंड द इक्वालिटी, द फ्रीडम ऑफ द पीपल, इट मीन्स इट ऑलवेज टॉक अबाउट द गुडनेस ऑफ पीपल। तो ऐसे में जब कोई संविधान अच्छी चीजों के बारे में बात करेगा तो वो अपने आप सफल होगा। तो ऐसे क्या एलिमेंट होने चाहिए किसी संविधान में? देखो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं सिर्फ बहुत अच्छी बातें करूं, सरकार बन जाए, सरकार ये कहे कि देखो हमें आने तो सरकार में, हम जो है आपके लिए ये भी फ्री कर देंगे, वो भी फ्री कर देंगे, सब कुछ फ्री कर देंगे, कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, सरकार बनेगी कैसे? फिर सरकार चलेगी कैसे? सरकार अपना कामकाज करेगी कैसे अगर वो टैक्स, सारे टैक्स ही हटा देगी? तो यानी कि बहुत सी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना होता है, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करने से कुछ नहीं होता। और भी कुछ ऐसे सब्सटेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जिनको संविधान में, सरकार में और अपने डे टू डे जो भी हमारे प्रस्पेक्टिव्स हैं उनमें शामिल करना होता है। तो हम बात करते हैं ऐसे सभी एलिमेंट्स के बारे में जो बहुत सब्सटेंशियल होते हैं जब किसी संविधान का निर्माण किया जाता है। सबसे पहली चीज जो है वो है स्वीकार्यता, एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकार्यता कैसे? देखो अगर कोई संविधान बना है
और वहां की जो जनता है, जनता ने उस संविधान को नहीं माना, तो कब तक वो संविधान लागू रह पाएगा? हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे भारत है, भारत का जो संविधान बनाया हुआ है वो पिछले 75 सालों से बहुत अच्छी तरह वर्क कर रहा है, उसमें बदलाव होते रहे हैं, उसने अपने आप को समय समय पर चेंज किया है, लेकिन मीनवाइल ये जो 75 साल हमने देखे हैं, इन्हीं इसी समय में, इन्हीं काल में नेपाल में 5 बार संविधान बदल चुका है, नेपाल में 5 बार अलग अलग संविधान लागू हो चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कई बार जनता उन चीजों के साथ एग्री नहीं करती जो कानून बनाए जाते हैं, तो यानी कि जनता द्वारा उस संविधान को स्वीकार किया जाना बहुत जरूरी होता है। अब जनता किसी चीज को कब स्वीकार करेगी? जब उसके लिए कम से कम जो उसके न्यूनतम हित होते हैं, देखो हमें भी पता है, अगर आज मैं ये कहूँ कि संविधान द्वारा मुझे नौकरी भी दे दी जाए, मुझे संविधान द्वारा जो है स्वतंत्रता भी दे दी जाए, मुझे धन भी दे दिया जाए, मुझे ये भी दे दिया जाए, मुझे वो, तो क्या वो संविधान कैसे वर्क करेगा जब सबकी एस्पायरेशंस होगी तो? लेकिन मिनिमम जो न्यूनतम कुछ चीजें हैं, जैसे मैं कुछ आशा करूंगी कि मेरा संविधान मुझे इस देश में शांति से रहने की जो है वो अधिकार दे, मेरे जीवन को बचाने का अधिकार दे, मुझे समानता का अधिकार दे, मुझे अवसरों की समानता दे, तो ये तो हमारे संविधान में दिया हुआ है। तो ये कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो कुछ न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं। अगर कोई संविधान किसी भी देश की जनता की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार कर लेता है, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो वो हमेशा ही सफल हो जाता है। तो सबसे जरूरी ये है कि कोई भी किसी भी देश का जो संविधान है वो जनता के लिए स्वीकार्य हो, और वो जनता के लिए कब स्वीकार्य होगा? जब वो जनता की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, ठीक है ना, तब वो संविधान अच्छे से जनता द्वारा एक्सेप्टेबल होगा, और जनता जब एक्सेप्ट कर लेगी तो वो संविधान अपने आप सफल हो जाएगा। फिर है निष्पक्षता, जिसको जो है हम इम्पार्शियलिटी भी कह सकते हैं। निष्पक्षता कैसे? अगर संविधान भेदभाव करे, देखो जैसे भारत में क्या किया गया है, सफरेज की स्थापना की गई, सफरेज मतलब वयस्क मताधिकार, यानी कि 18 वर्ष से ऊपर जो कोई भी है व्यक्ति वो वोट दे सकता है, ठीक है। अब 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति वोट दे सकता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ना तो इसमें अमीर गरीब देखा जाएगा, ना इसमें जाति धर्म देखा जाएगा, ना इसमें औरत और पुरुष देखा जाएगा, ना इसमें छोटा बड़ा देखा जाएगा, ना इसमें काला गोरा देखा जाएगा, ना इसमें और कोई भी भेदभाव किया जाएगा। तो यानी कि चुनाव कराने के लिए बिल्कुल निष्पक्ष है। जब कोई कानून लागू किया जाए तो भी यही ध्यान में रखा जाता है कि अगर जो भी कानून लागू हुआ है वो लागू किया गया है तो उस कानून के आगे सभी बराबर हैं, तो उसको निष्पक्षता कहा जाएगा। इसको हम कहते हैं विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। तो ऐसे में निष्पक्षता अगर किसी संविधान में होगी तो वो अपने आप सफलता का पर्याय बन जाएगा। नेक्स्ट है न्याय। देखो संपूर्ण न्याय या जस्टिस जो है वो लागू करना पॉसिबल नहीं है, संपूर्ण न्याय या जस्टिस लागू नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? कई बार ऐसा होता है कि किसी के लिए न्याय किसी दूसरे के लिए अन्याय बन जाता है। ऐसे में ये देखना होता है कि जो लागू किया जा रहा है वो अधिकतम न्याय हो। देखो संपूर्ण हो ना हो, लेकिन अधिकतम न्याय की स्थापना सरकार द्वारा की जा सकती है। अधिकतम न्याय का मतलब क्या हुआ? देखो छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जैसे हमारे देश में जो रिजर्वेशन लागू किया जाता है, कई बार कई लोग कहते हैं कि ये रिजर्वेशन की वजह से हमारे अधिकार हमसे छीने जा रहे हैं, लेकिन वो उन पिछड़ों को ऊपर लाने के लिए, तो ऐसे में ये न्याय है, भेदमूलक न्याय है, लेकिन वो अधिकतम न्याय वही किया जा सकता है। अगर ऐसा किया जाए कि ऐसी चीजों को हटा दिया जाए तो जो पिछड़े हैं वो हमेशा पिछड़े ही रह जाएंगे, उनको मेन स्ट्रीम में, उनको मुख्य धारा में लाने का काम अधूरा रह जाएगा। तो ऐसे में न्याय भी जो है किसी भी संविधान की सफलता के लिए बहुत जरूरी है, किसी भी संविधान का एक सब्सटेंशियल पार्ट होता है। फिर है स्वतंत्रता। अब वो स्वतंत्रता चाहे जीव स्वतंत्रता चाहे धर्म की हो, स्वतंत्रता विश्वास की हो, स्वतंत्रता विचार अभिव्यक्ति की हो,
यहाँ तक कि स्वतंत्रता अपने पसंद के कपड़े पहने तक की, जो हम डिस्कस कर चुके हैं स्वतंत्रता वाले चैप्टर में, तो ये सब जो चीजें हैं जो स्वतंत्रता में काउंट की जाती है, वो सारी स्वतंत्रताएं किसी भी संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान करवाया जाना आवश्यक होता है। उसके बाद आती है समानता, इक्वालिटी। इक्वालिटी समानता, चाहे वो राजनीतिक समानता हो कि कोई भी वोट देगा, कोई भी चुनाव लड़ सकेगा, कोई भी जो है किसी भी प्रकार से राजनीति में भाग ले सकेगा, मैं नागरिकता की सबको एक जैसी समानता है, तो वो सब चाहे राजनीतिक समानता हो, चाहे आर्थिक समानता हो कि भाई अगर कोई जॉब है, अगर मैं योग्य हूं तो मुझे बराबर अवसर मिलेंगे, या फिर सामाजिक समानता है कि अवसरों में कहीं भी किसी भी चीज को लेकर मेरे साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इन तीनों एस्पेक्ट से जो समानता है वो भी स्थापित अगर संविधान द्वारा की जाती है तो वो एक सफल संविधान है। अब अगला जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, संतुलित संस्थागत ढांचा। संस्थागत ढांचे का क्या मतलब है? संविधान का काम सिर्फ नागरिकों के लिए अधिकार देना और ये सब करना नहीं होता। संविधान का काम ये भी होता है कि वो बताए कि उस देश में, उस राज्य में सरकार कैसे चलेगी। तो सरकार जैसे चलेगी, वो नियम, वो कानून, वो तरीका जो बताता है वो भी संविधान ही बताता है, ठीक है। ये तरीका भी संविधान द्वारा ही बताया जाता है। इसको हम थोड़ा अलग से अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सब्सटेंशियल एलिमेंट में लास्ट का पॉइंट है, संतुलित संस्थागत ढांचा, ये भी संविधान द्वारा उपलब्ध करवाया जाना अनिवार्य होता है। अगर किसी भी संविधान ने, अगर सरकार किस तरह से बनाई जाएगी, इन नियमों को ढंग से नहीं बताया है, तो वहां पर वैसे ही अराजकता हो जाएगी। क्योंकि अगर सरकार ढंग से नहीं बनी है तो कोई राज्य में शासन व्यवस्था ढंग से नहीं चलेगी। आप इसको एग्जाम्पल ऐसे देख सकते हो कि जैसे हमारे भारत में जो संविधान बनाया गया है, भारत में सरकार का जो संस्थागत ढांचा है, जो हमारी जो भी गवर्नमेंट है, उसको तीन हिस्सों में बांट दिया गया है। कौन कौन से तीन हिस्से, उसको हम कह सकते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, इन तीन हिस्सों में बांट दिया गया है। इससे हुआ क्या, देखो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब होता क्या है, जब भी इससे दो चीजें होती है। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि कार्य विभाजन हो जाता है। कार्य विभाजन का मतलब किसी एक अंग को सारे काम नहीं करने पड़ते, और जो काम का जब बट जाता है, बंटवारा हो जाता है, तो वो अच्छे से अपने अपने कामों को कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इससे सरकार के दूसरे अंगों पर नियंत्रण, देखो कई बार संतुलन जो है वो नियंत्रण द्वारा भी रखा जाता है, तो नियंत्रण द्वारा संतुलन, नियंत्रण द्वारा संतुलन जो है वो कैसे रखा जाएगा, जब सरकार को इस प्रकार से अलग अलग हिस्सों में बांटा जाएगा। कैसे, व्यवस्थापिका क्या करती है, व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कानून बनाना व्यवस्थापिका का काम है, उनको लागू करना कार्यपालिका का काम है, और उनके आधार पर न्याय करना और उन कानूनों की, कानूनों पर दृष्टि रखना कि ढंग से बने हैं कि नहीं बने हैं, वो किसका काम है, वो न्यायपालिका का काम है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर व्यवस्थापिका कोई गलत कानून बनाती है तो न्यायपालिका उसे उसी समय असंवैधानिक करार दे देगी। अगर कार्यपालिका उसे ठीक से लागू नहीं करती है तो व्यवस्थापिका उस कार्यपालिका को उत्तरदायी मानेगी। तो इस तरह से होगा क्या, कामों का विभाजन हो जाएगा,
तो एक अंग पर ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा, और साथ ही साथ अगर कोई एक अंग ठीक से काम नहीं कर रहा है तो दूसरा अंग उस पर नियंत्रण रख सकेगा। तो कहने का मतलब, जब संस्थागत ढांचा तैयार किया जाता है संविधान के माध्यम से और वो ढांचा सही से काम करता है, इसी में संविधान की असली सफलता मौजूद होती है। यानी कि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एसेंशियल जो सबसिस्टेंस है किसी भी सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यही है दैट इट शुड मेक द गवर्नमेंट, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट शुड बी वेरी बैलेंस्ड एंड शुड बी अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट एज इन इट शुड बी वेरी बैलेंस्ड ऑल्सो, कि भाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों ही अंग अपने अच्छे अच्छे से काम करें। तो इसके साथ ही आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो यही खत्म होता है। हमने संविधान के बारे में बहुत कुछ समझ लिया है, अगले वीडियो से हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में, ठीक है? तो आप तब तक पढ़ते रहिए। अगर आपको इनमें कुछ भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में उसके लिए कह सकते हैं। आई डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज। तब तक के लिए थैंक यू।